बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं। आज हम आपके लिए एक प्लॉटों की स्कीम लेके आए हैं और जो कि मलीर में लोकेटेड है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर जो लोग मलीर में रहते हैं, जो हमारी मलीर के लोग वीडियो देखते हैं, वहाँ से भी कॉल्स आती हैं हमारे पास। मलीर मॉडल कॉलोनी मतलब लांडी कोरंगी से भी हमारे पास बहुत कॉल्स आती हैं। मैं आपको बताऊँ, आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, यही आप लोगों का प्यार है। तो और हम आपके लिए सही चीज़ें लेके आते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होती हैं जब भी वो हम चीज़ें लेके आते हैं। और एक आर्गूमेंट हमेशा लोग हमारे चैनल पर आए करते हैं कि आप पैसा ज़्यादा बता देते हैं। पैसे मैं नहीं बताता हूँ, मुझे जो बेचने वाला पैसे बताता है वो पैसे मैं बताता हूँ। और कुछ लोगों से तो मैं इस पर बताता भी हूँ, उनको रियल वैल्यू भी बताता हूँ इलाके की कि इस टाइम आपके एरिए की ये वैल्यू है, लेकिन निगोसिएशन की गुंजाइश हमेशा होती है। जो लोग भी ट्रस्टेड होते हैं, देखिए हमारे थ्रू बहुत सारी चीज़ें बिकी हैं, सेल हुई हैं, हमने सादी टाउन में भी और दूसरे और मुख्तलिफ जगहों पे जो लोगों को चीज़ें लगाई हैं, विला आपने देखे होंगे, हमने कितने सारे विला लगाए। तो आप लोग जो हैं मतलब ये मत समझा करें कि पैसे मैं ले रहा हूँ। ये बेसिकली जो ओनर होता है वो कंपनी उसका घर का या फ्लैट का या मतलब जो बिल्डर होता है वो जो पैसे बताते हैं वो पैसे हम आपको बताते हैं, बाकी निगोसिएशन की गुंजाइश होती है। आप लोग ये वीडियो देखें, हम आपके लिए एक प्लॉटों की स्कीम लेके आ रहे हैं और मलीर के अंदर है और बागे इत्तेहाद के नाम से है ये। और ये बड़ी अच्छी सोसाइटी है, लीज़ है, 80 गज़ के यहाँ पे प्लॉट हैं, सिर्फ 80 गज़ के प्लॉट हैं और 25 लाख रुपए जो है वो इसकी डिमांड कर रहे हैं कि 25 लाख का। बाकी फिर मैं कह रहा हूँ कि निगोसिएशन की गुंजाइश हमेशा होती है, तो इसके अंदर भी होगी, यकीनन होगी। और आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ इसमें हम आपको फैसिलेट करेंगे। लीज़ भी हैं, सोसाइटी जो है वो 7 एकड़ की सोसाइटी है और उसमें 200 प्लॉट जो हैं वो तकरीबन जो है वो 80 गज के हैं, और कोई नहीं, 120 गज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 80 गज हैं। इसके बिल्कुल गेट के सामने जो है पुरानी मलीर के नाम से सोसाइटी है, पुरानी मलीर बड़ा मशहूर है, मलिया गार्डन वहाँ पे बिल्कुल बराबर में इसके मलिया गार्डन। और आपके लिए रेफरेंस के लिए, बाकी आप लोग वीडियो देखें फिर बाकी और डिटेल में आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये मैं आपको आज एक नई सोसाइटी पे लेके आया हूँ जो कि मलीर में है, बागे इत्तेहाद कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ पे 80 गज़ के प्लॉट हैं, ये मैं आपको अभी पूरी डिटेल में दिखाता हूँ। और ये बराबर में मलिया गार्डन है, ये आपको सोसाइटी अंदर से नज़र आ रही है। ये पूरी यहाँ पर तो घर बने हुए हैं और ये देख लें आप, पूरी सोसाइटी में घर बने हुए हैं यहाँ पर। और इसके बिल्कुल बराबर में पुरानी कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है, ये देखें आपको सामने पुरानी मरीर के नाम से सोसाइटी नज़र आ रही है और ये बिल्कुल इसके साथ ही है। और ये रास्ता जा रहा है और आप यहाँ से भी जा सकते हैं अंदर, और इसके सोसाइटी से भी अंदर से भी रास्ता मौजूद है। ये सोसाइटी का मेन गेट है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये एंट्रेंस है इसकी सोसाइटी की। और इसके बराबर में भी एक सोसाइटी है और अभी मैं आपको पहले शुरू में इसकी सोसाइटीज़ दिखाता हूँ। तो भाइयों, ये मैं आपको सोसाइटी के अंदर लेके आया हुआ हूँ और ये प्लॉटिंग यहाँ पे हुई हुई है, डेवलपमेंट का काम हुआ हुआ है, रोड कारपेटिंग शुरू होनी है। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये देखें आप, ये सीवरेज की लाइनें यहाँ डली हुई हैं। 80 गज़ के प्लॉट हैं यहाँ पे, और मैं आपको दिखाऊँ कि पीछे जो सोसाइटी है मलिया गार्डन, उसमें तो घर बने हुए हैं और यहाँ पर भी एक आध घर की जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये 80 गज़ के प्लॉट हैं यहाँ पे और बड़े लो कॉस्ट के अंदर हैं। ये मलीर खोखरा पार का एरिया कहलाता है ये, और ये आप सामने देख रहे हैं, ये रोड बिल्कुल कोने तक जा रही है। 7 एकड़ की सोसाइटी है ये, टोटल 7 एकड़ की सोसाइटी है ये। और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये पार्क का एरिया है, पीछे आगे जो इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है, मस्जिद पीछे की तरफ है इसकी। और तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ बागे इत्तेहाद कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है, और ये देख टोटल मैंने आपको इसका रकबा बताया कि 7 एकड़ का है, मलीर में है, इसके बिल्कुल बराबर में जो है मलिया गार्डन है, और बुरहानी कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी जो कि पूरी आबाद है बिल्कुल इसके बराबर में है। और अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर 80 गज के प्लॉट हैं लेकिन कैश पे हैं ये, और लेकिन प्राइस कम है, 22 लाख 25 लाख रुपये बोलते हैं लेकिन 22-23 इस तरह करके दे देते हैं। लीज़ प्लॉट हैं ये, लीज़ हैं मतलब आप जो भी लेगा उसको जो है वो फ़ौरन घर बनाने की भी इजाज़त होगी, इसके अंदर आके अपना घर बना सकता है सस्ते पैसों में। मलीर के जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है,
मलीर वालों के लिए जो मलीर में ही रहते हैं, कि वो और जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी है, क्योंकि अभी तो रेट कम है, क्योंकि हालात आपको पता है प्रॉपर्टी के इतने अच्छे हैं नहीं, वरना ये जब अगर अगर हालात सही होते तो लीज़ प्लॉट जो है आपको मतलब डे वन से लीज़ दे रहे हैं। और मेरे पास इसकी SBC की NOC और MDA की भी NOC मौजूद है, जो कि मैं आप जब कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको शो भी कर देंगे, दिखा भी देंगे। और ये मैं आपको पूरी सोसाइटी दिखा रहा हूँ, 7 एकड़ की सोसाइटी, ज़्यादा ज़्यादा प्लॉट नहीं है इसके अंदर, तकरीबन 200 प्लॉट हैं। और जो अवेलेबल हैं, क्योंकि कुछ सोल्ड हुए हैं पुराने, और जो कुछ जो अवेलेबल हैं वो तकरीबन 100 प्लॉट हैं। वो भी मुझे जो है आज अभी मैं इनकी मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वो मीटिंग में ये था कि वो बहुत जल्दी वो भी सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे, क्योंकि अमाउंट कम है। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, बार बार प्लॉटिंग हुई हुई है, डिमार्केशन सारा हुआ हुआ है, ये सेवरेज की लाइनें डली हुई हैं सारी, हर उस पे रोडे की कटिंग हुई हुई है, और ईद के बाद जो है इसकी मेन एवेन्यू बन जाएगी। तो आप लोग जो लोग भी बुकिंग कराएंगे, बुकिंग तो नहीं है यहाँ पे, कैश पे है, जो भी कराएंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। जो लोग यहीं के रहने वाले हैं उनको एक सस्ता घर मिल जाएगा। ये मैंने आपको दिखा दी है पूरी सोसाइटी, अभी मैं इसके जो जहाँ पे पार्क बनना है, ये यहाँ पे पार्क बनना है, और ये उस एरिया में खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे मैं। और ये देखें आप लोग, पीछे पूरे घर बने हुए, आपको पीछे घर नज़र आ रहे हैं, ये घर बने हुए, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, बल्कि कुछ अच्छे घर भी बने हुए हैं। ये देखें आप, कुछ अच्छे घर भी बने हुए हैं, और आबाद इलाका है पूरा। मलीर के जो लोग हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी, जो मलीर में रहते हैं। तो आप लोगों को जो लोग इंटरेस्टेड हों हम उनको फैसिलिटेट कर देंगे। तो भाइयों, आप लोगों ने वीडियो देख ली है, और ये मलीर सऊदाबाद का एरिया है, कोकर पार्क मलीर, मतलब सऊदाबाद के फ़ौरन बाद है। आप जैसे ही सऊदाबाद के ऊपर आते हैं और राइट हैंड के ऊपर, आप पीर उल्टे हाथ पे PSO का पम्प आता है, और राइट हैंड के ऊपर जो आप आगे जाएंगे तो पुरानी मलीर के नाम से जो है वो सोसाइटी आ जाएगी। मलीर वाले वो जो मलीर में लोग रहते हैं उनको मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसके बिल्कुल ही बराबर में अगर आप अंदर से जाएंगे, पुरानी के अंदर से जाएंगे, तो आप बिल्कुल उसके गेट पे निकलेंगे, वहाँ पे मलिया गार्डन, मैंने आपको पहले ही बताया कि मलिया गार्डन के नाम से भी एक सोसाइटी मौजूद है, और इसके बिल्कुल बराबर में बाग़ इत्तेहाद सोसाइटी है। ये कुछ कोई 100 के करीब प्लॉट ऑलरेडी सोल्ड आउट है यहाँ के। अभी जब हम लास्ट टाइम वहाँ पे गए हैं, जब हमने ये वीडियो बनाई है, तो उन्होंने वहाँ पे नया गेट बनाने का भी ऑर्डर दिया है, और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स और रोड्स हैं, सेवरेज का काम, डेवलपमेंट का काम हुआ हुआ है, जो अंडरग्राउंड काम होता है वो सारा हुआ हुआ है। बिजली बिल्कुल पास है, इसके सामने ही है, और पानी वहाँ मौजूद है। गैस का यकीनन वो तो एक नेशनल मसला है। तो आप लोग जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, 25 लाख रुपए इसकी डिमांड है, बाकी जो निगोशिएशन हो सकेगी वो हम आपके साथ होंगे, जो हमारे थ्रू लेगा तो हम उसको डिस्काउंट जरूर दिलाएंगे। ठीक है भाइयों, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हमारे चैनल का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, ये आप लोग ख्याल जरूर रखें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।